Good morning students, continuing chapter 2 of chemistry. Our today's topic is, first topic is Pauli's exclusion principle. What does it state? It states that no two electrons can have same value of all the quantum numbers. Means, koi bhi two electron aise nahi honge, jinke liye sabhi ke sabhi quantum numbers ke liye the value same ho. Hamare paas kaun kaun se quantum numbers hai? N, L, ML and MS. हर क्वांटम नंबर की वैल्यू हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी? डिफरेंट होगी. ठीक है ना? जैसे कोई भी ऑर्बिटल ले लो या कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज इलेक्ट्रॉन वन, दिस इज इलेक्ट्रॉन टू, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सभी के सभी क्वांटम नंबर्स जो उनकी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी. ओके, दिस इज व्हाट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स. किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए तो सभी के सभी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, दैट विल बी डिफरेंट. ओके, एंड व्हाट एल्स द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स, इट आल्सो इन्फॉर्म्स दैट एन ऑर्बिटल, जो एक ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, और वो जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन क्या होगी? अगर एक ही अपवर्ड स्पिन है तो दूसरी की स्पिन क्या होगी? डाउन. ओके, सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स कि एक हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो स्पिन होगी दैट विल बी ऑपोजिट स्पिन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स. जो हमने डिफरेंट सब शेल्स पढ़े, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, means these four orbitals, इन सभी जो सबशेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. सो नाउ फर्स्ट शेल इज k शेल, देन इट इज l शेल, आफ्टर l इट इज m शेल, n शेल. ओके, विल रीड फॉर दीज डिफरेंट शेल्स. फॉर k शेल द वैल्यू ऑफ n इज 1, और n 1 हो तो l की वैल्यू सिर्फ कितनी होती है? 0. n 0, m इज ऑल्सो 0. अगर एल जीरो है, जीरो के लिए क्या डेजिग्नेशन है? एस. और एन की वैल्यू है 1, तो क्या ऑर्बिटल बनेगा हमारे पास? 1 एस ऑर्बिटल. ठीक है, एन जीरो है, इट मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर देयर? जस्ट 1 ऑर्बिटल. जो के शेल है उसके लिए सिर्फ एक ऑर्बिटल है, और वो एक ऑर्बिटल कौन सा है? 1s. ठीक है, तो वील ड्रो एन ऑर्बिटल लाइक दिस, एक दो. ओके, सो दिस इज 1s ऑर्बिटल. नेक्स्ट इज फॉर एल शेल. एल शेल के लिए जो एन की वैल्यू है दैट इज 2, एंड फॉर एन 2 द वैल्यू ऑफ एल, कितनी वैल्यूज है की एन 2 के लिए? एल इज 0 एंड एल इज 1. सो एन इज 2, एन तो 2 है, बट जब एल 0 तो डेजिग्नेशन एस आएगी, और जब एल 1 है तो डेजिग्नेशन 2 के साथ क्या आएगी? पी. सो देयर आर 2s एंड 2p. ओके, नेक्स्ट, वेन एल इज 0, एल इज 0 के लिए एम की वैल्यू 0. ये चीजें हमने क्वांटम नंबर की वीडियो जो मैंने आपको भेजी थी उसमें किया था, ये सारा कि एम की वैल्यू और एल की वैल्यू, एम एल और एम एस की ये डिफरेंट वैल्यूज कैसे होती है. ओके, एम फॉर एल 1, एल 1 के लिए हमारे पास एम एल की क्या वैल्यू जाएंगी? माइनस 1, 0 एंड प्लस 1. मीन्स एम की यहाँ पे 3 वैल्यूज है. सो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी 3, एंड जब एम एल 0 है देन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 1. ओके, सो फॉर 2s, s के लिए एक ऑर्बिटल है, और p के लिए, 2p के लिए हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स है? 3 ऑर्बिटल्स है. सो देयर आर टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे हमारे पास? 4 ऑर्बिटल. ओके, और यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2. अगर हमारे पास यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स है, इट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी वो कितने हो जाएंगे? 4 2 8. ओके, सिमिलरली वी कैन डू दिस फॉर नेक्स्ट शेल्स, एम शेल और एन शेल. ओके, सो द कंप्लीट टेबल फॉर दिस इज, यहाँ पे जो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थे सब शेल में कितने होते हैं, दैट कंप्लीट टेबल फॉर दैट इज शेल सिंबल, देन शेल नंबर, देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड देन देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, शेल डिफरेंट शेल्स आर के, एल, एम एंड एन शेल्स, एंड द शेल नंबर इज एन, दैट इज 1 फॉर एट इज 1, फॉर एल इज 2, देन 3, 4. सो द नंबर ऑफ
orbitals that came out to be. K shall be the number of orbitals, okay, that will be n square, and the number of electrons will be 2n square. Okay, we have the number of electrons L shall or K shall be find. From there we had computed this table. Okay, now similarly they are find for m and n, and then from there this result was computed. और यहाँ से क्या कर सकता है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे दैट विल बी n स्क्वायर. ठीक है ना, अगर नंबर ऑफ शेल नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1 स्क्वायर 1, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n 2 वो कितने होंगे 4, एंड सिमिलरली फॉर 3 3 स्क्वायर 9 ऑर्बिटल्स, एंड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2n स्क्वायर. ओके, जितना हमारे पास n स्क्वायर है डबल ऑफ दैट इट विल गिव अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल. क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. अगर एक ऑर्बिटल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो, चार ऑर्बिटल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक, नाइन ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18, 16 ऑर्बिटल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 32, क्योंकि एक ऑर्बिटल है दैट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स. नाउ द नेक्स्ट इज एनर्जी लेवल डायग्राम. नाउ फर्स्ट इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, and after that all atoms they have more than one electron. So the energy level diagram for multi electron atoms, जिनमें एक से ज़्यादा electron हो, उनके लिए जो energy level diagram है that is different. But for hydrogen atom जिसमें सिर्फ एक ही electron present है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कौन सी diagram है energy की. In this way the energy is increasing. ठीक है, और हमने ये किया था कि the way n will increase, जैसे n increase होगा the energy will also increase. Okay, so here for 1s, okay, then 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, then all are 4d, 4s, 4p, 4d and 4f orbitals. Okay, so 1s सबसे lower है energy में, then 2s and 2p, इन दोनों orbitals की hydrogen atom के लिए बोलते हैं कि जो energy है that is same. तो जो वो orbitals जिनकी energy same होती है उनको हम बोलते हैं degenerate orbitals, that are known as degenerate orbitals. So similarly 3s, 3p and 3d they have same energy, 4s, 4p, 4d and 4f they all have same energy. क्योंकि जो single electron के लिए means hydrogen atom के लिए energy that just depend upon n and do not depend upon f. But in case of multi electron atoms the energy depend both on n as well as on f. दोनों पर depend करती है जो energy है. So here for 1s, now energy depends on n as well as on n. जैसे n इंक्रीज होगा तभी भी एनर्जी इंक्रीज होगी, और n के इंक्रीज होने से भी जो एनर्जी है दैट विल इंक्रीज. अभी दोनों पे डिपेंड करेगी, यहां पे सिर्फ n पे डिपेंड करेगी, l का कोई इशू नहीं था दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बट इन दिस केस बोथ द वैल्यू ऑफ n एंड l विल मैटर फॉर द एनर्जी. नाउ फॉर 1s, 1s इज लोअर एनर्जी. ओके, देन देयर आर 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल. ओके, for 2s orbital if I talk of then the value of n, 2s orbital में जो n की value है 2s n, in this the value of n is 2 and here also the value of n is 2, but for s orbital the value of n is 0 and for p orbital the value of l is 1. Okay, so means n दोनों के लिए same है but the value of n is different. तो जो जिसकी n की value जिसके लिए कम है वो लोअर लेवल पे आएगा, जिसके लिए एल की वैल्यू ज्यादा है वो हायर लेवल. ओके, नाउ सिमिलरली देयर इज फॉर 3s एंड 3s, 3p एंड 3d, हियर आल्सो द वैल्यू ऑफ n इज 3 बट द वैल्यू ऑफ l इज 0, हियर आल्सो n 3 l 1, n 3 एंड l 2. ओके, देखो पहले सबसे कम 3s उसकी आएगी, देन इट इज फॉर 3p, बट उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल आना चाहिए था 3d, बट 3d इज नॉट आफ्टर 3p. व्हाई? इट बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू बोहर बरीज रूल दैट एनर्जी है जो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू n प्लस l. हम n और l को प्लस करके देखेंगे कि किसकी वैल्यू कम वाली है n प्लस l के लिए,
वो लोअर लेवल पे आएगा, जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा आएगी वो हायर लेवल पे आएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग जो 3D ऑर्बिटल है वो यहाँ पे नहीं आता, ठीक है ना। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर दिस सीन, फॉर दिस वन ऑल्सो। हियर 3s एंड 3 प्लस 0 आंसर विल बी 3, हियर 3 प्लस 1 आंसर विल बी 4, हियर 3 प्लस 2 आंसर विल बी 5। नाउ नेक्स्ट वन इज 4s, m इज 4 बट l इज 0। सो हियर द n प्लस l, जो n प्लस l दोनों के लिए वैल्यू आएगी द आंसर विल बी 4, 4 प्लस 0 इज 4। सो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 3s की वैल्यू 0 है तो 3s ऑर्बिटल आएगा। देन 3p की कितनी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4, ओके। एंड देन 4s आल्सो हैज वैल्यू 4। तो जिनके लिए अगर n प्लस l दोनों की वैल्यू सेम है तो वहां पे हम पहले n देखेंगे कि जिसका n कम है, इसका n 3 है और इसका n कितना है 4, तो जिसका n कम होगा हम उसकी वैल्यू वहां पे कंसिडर करेंगे। तो आफ्टर 3s हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 3p, क्योंकि यहाँ पे n प्लस l इसकी भी 4 है वैल्यू, इसकी भी 4 है वैल्यू, तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू। इसका n कम है तो पहले 3p ऑर्बिटल आएगा और इसका n ज्यादा है तो फिर 4s ऑर्बिटल आएगा। एंड आफ्टर 4s देयर विल बी 3d ऑर्बिटल, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है 5, ओके। तो पहले हमें बताया गया कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम है दैट डिपेंड अपॉन n एंड l, तो उसके अकॉर्डिंग बनाया गया, ठीक है। फिर बोहर भाई ने ये बताया कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम चाहिए दैट विल बी अकॉर्डिंग टू n प्लस l, तो वहां पे क्या किया गया, m और l दोनों को प्लस करके उनकी कैलकुलेशन देखेंगी और जिसकी वैल्यू कम है वो लोअर लेवल पे आएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ओके। सो दीज आर द एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर हाइड्रोजन एटम एज वेल एज फॉर द मल्टी एटम।